هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله هل لك سر عند الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله العظيم आज के सबक का खुलासा ये है कि हजरत सईद यूसुफ़ अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जल्लाज़लालुहू ने मिस्र की सल्तनत नसीब फरमाई और मिस्र में कुछ साल बेहतरीन फसलें उगने के बाद बेहतरीन गले और ख़ुराक के वजूद में आने के बाद फिर वो सात साल की जिनका जिक्र पहली आयतों में गुज़रा है कि जो कहत के साल थे और यानी बहरान के साल थे वो शुरू हो गए अब ऐसा वक़्त आया कि ख़ुद मिस्र में भी और दूर दराज के जो इलाके थे करीब के ममालिक थी, उन सब में बहरान पैदा हो गया और गले की फरावानी ख़त्म हो गई तो जिसकी वजह से लोगों में ये मशहूर हो गया कि मिस्र में हुकूमत की तरफ से गला मिलता है लेकिन बहुत सस्ते दामों मिलता है इस वजह से लोग अपनी यानी अपनी हाजत पूरी करने की गरज से दूर दराज से मिस्र के सफ़र करने लोगों ने शुरू कर दिए उन्हीं काफ़िलों में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई भी तशरीफ़ लाएँ और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जब पहुँचे तो यूसुफ आल सलाम ने उन्हें पहचान लिया लेकिन वो यूसुफ यूसुफ़लातम को नहीं पहचान सके पैसे ले लिए यूसुफ हैं यूसुफ़लातम से उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारा एक भाई और है जो शाम में हम छोड़ कर आए हैं और उसकी छोड़ने की वजह ये थी कि बाप ने उनको अपने तसली की गरज से अपने पास रखा हुआ है तो हमें उनका हिस्सा भी दे दे तो हज़रत सैदना सलाम ने फरमाया कि देखें कानूनन ये ठीक नहीं है हमारे यहाँ क़ानून ये है कि जो खुद आएगा उसे गला मिलेगा तो आप ऐसा करें कि अपने भाई को अपने साथ ले आएँ आपका भाई जो आपके बाप आ, जो बाप शरीक भाई हैं आपका उनको भी अपने साथ ले आएँ और फिर उनका हिस्सा आपको मिल जाएगा और क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं तुम्हें भर भर कर यानी पैमाना दे रहा हूँ तुम्हें और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज़ भी हूँ कितना ख्याल करता हूँ तुम सबका और साथ साथ उनको ये भी कहा कि अगर तुम नहीं लाए ना तो फिर तुमने मेरे क़रीब भी नहीं आना और हमें हमारी तरफ़ से तुम्हें कोई गला भी नहीं मिलेगा जाहिर बात है कि फिर हम यूँ समझेंगे कि तुम लोग जो बाई का तस्करा करते थे कि हमारा एक भाई और भी है ये तुम ऐसे ही गलत बयानी करके हमसे गला वसूल करना चाहते थे वरना अगर वो भाई आपके मौजूद होते वाकई होते तो फिर तुम उनको अपने साथ ले आते तो जब तुम नहीं लाओगे तो इसका मतलब ये हम समझेंगे कि आप लोगों ने गलत बयानी किए हैं अब उसके बाद फिर हमारे करीब नहीं आना और हमारी तरफ से तुम्हें गला भी नहीं मिलेगा तो वो भाई कहने लगे कि देखिए हम अपने अब्बा को खुश करने की और उन्हें यानी समझाने की कोशिश करेंगे और हम इनको ज़रूर ले आएंगे लेकिन बाप के लिए समझना इसलिए मुश्किल होगा राजी रहना मुश्किल होगा कि उनके एक और भाई भी थे कि जो जिससे बाप को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी लेकिन वो जंगल में कहीं हलाक हो गए और बेड़िया ने आकर उनको का लिया तो इस वजह से बाप को अब इनको छोड़ना मुश्किल है बाप के लिए लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश करेंगे तो बहरहाल ये बात तो एक तरफ़ से हो गई यूसुफ़लातलम ने अपने साथियों से कहा अपने जो खिदमतगार थे नौकर थे उनसे कहा कि तुम ऐसा करो कि ये जो अपने पैसे लाए हैं माल लाया है लाए हैं ये इनके कजाऊ में दोबारा रख लो ताकि ये जब वापस अपने घरों में पहुँचेंगे तो पहचान लेंगे और वो समझेंगे कि ये कितना नेक और कितना अच्छा इकराम वाला और सखा वाला बादशाह है कि देखो हमें हमारा माल भी वापस कर दिया और ये सोचकर फिर दोबारा भी उनको रगबत होगी हमारे पास आने की एक बात तो ये और दूसरी बात यू लम्मा ने यूँ लिखी है कि इसकी वजह ये थी कि जो पैसे वापस कराए कि यूसुफ आलतम भी समझते थे कि घर के अहवाल उनके मुनासिब नहीं होंगे जाहिर बात है कि पूरी दुनिया में जो फाका फैला हुआ है और कहत साली है तो इस वजह से शायद उनको पैसे ना मिले कि जिसकी वजह से वो दोबारा आ सके तो हम यह मेहरबानी करके उनको ये पैसे इनके वापस कर देते हैं ताकि इनको दोबारा पैसे दोबारा गले के लिए आने में कोई मुश्किल ना हो आसानी हो इसलिए कि पैसे उनके पास मौजूद होंगे या एक वजह ये भी उलमा ने लिखी है कि हज़रतूसुफ़लातम ने अपनी अख़ोत की वजह से और अपनी मुरत की वजह से इन भाइयों का ख्याल किया उनका इकराम किया कि देखो जैसे कैसा भी है लेकिन है तो मेरे भाई और मेरे घर के लोग हैं अब इन्होंने मेरे साथ ज़्यादी की है मैं इनके साथ एहसान करता हूँ तो बहर हाल ये सब वजूहत हो सकती है यूसफलातम ने उनके पैसे उनके लिए वापस कर दिए वजा यूसुफ और आ गए यूसुफ यूसफलात वाम के भाई फ़दुआल है बस पहुँच गए यूसुफ़ सलाम के पास फ़दू हैं यानी दाखिल हो गए यूसुफ सलाम पर जहाँ सलाम मौजूद थे वहाँ ये भी पहुँच गए फ़ार फाहम बस पहचान लिया उनको यूसुफ सलाम ने वम लहो मुनक्रोन और वो नहीं थे उनको पहचानने वाले जाहिर बात है कि वो इसलिए नहीं पहचान रहे थे कि एक तो ज़माना भी काफ़ी गुजर चुका था और दूसरी बात यह थी कि उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ रही थी इस बात को कैसे समझ सकते थे कि वो हमारा भाई जिसको हमने कुएं में डाला और उसको हलाक करने की हमने तदबीरें आ वो किस तरह ऐसे हो सकता है कि वो एक मुल्क का और मिस्र के मुल्क का जिसको उम्म दुनिया कहा जाता है कि सारी दुनिया की माँ है ऐसे मुल्क की अल्लाह पाक उनको सल्तनत नसीब फरमाए तो ये उनके लिए समझना कोई आसान नहीं था इस वजह से नहीं पहचाना अपने बाई को वलम जहाज़ हम बहाज़ हिम और जब तैयार किया यूसुफ़ सलाम ने उनका सामान काला तो उनसे कहा तो नहीं अखिल मिन अभी कम लाओ मेरे पास अपने बाप शरीक बाई को भी अला तरना क्या तुम देखते नहीं हो अन्नी ओ ओफिलकैला कि मैं पूरा पूरा पैमाना भर कर देता हूँ व अन अखैरमजलिन और मैं कितना बेहतरीन मेहमान नवाज भी हूँ फिलमता भी अगर तुम नहीं लाए अपने बाई को मेरे पास फ़ला कई ललकुम दी तो कोई गला नहीं है तुम्हारे लिए मेरे पास वला तक्रबोन और तुम हमारे करीब भी ना आना मेरे क़रीब भी नाना भी कल हो वो भाई कहने लगे शनिदान हो अबा हो हम खुश करेंगे राज़ी करेंगे उनके बारे में उनके अबा को व इन नालाफालोन और हम इस तरह ज़रूर करेंगे इन्हें बाई को लाने की कोशिश हम पूरी करेंगे वक़ाल अली ही और कहा हजरत कहाज़रत यूसुफ़लम ने अपने खिदमतगारों से अपने लड़कों से इज आलोबा तहम रख लो इनकी पूँजी को इनके पैसों को इनके माल को फिर हिम इनके कजाओं में ये जो जो इनका सामान है उनमें उनके पैसे भी वापस कर दो लालफोनाहा शायद कि ये उनको पहचान लेलब वह कि जब ये अपने घरों को वापस चले जाएँगे लालमिर शायद ये दोबारा भी मेरे पास आ जाए वापस वापस हो जाए यानी दोबारा दोबारा भी गला लेने के लिए फिर वापस आएंगे इस वजह से क्यों पता चलेगा कि ये बादशाह बहुत मेहरबान बादशाह है और इनके इनके हाथ से हमें गला फिर भी मिल सकता है और बहुत खूब भर भर कर हमें दे रहा है तो इस वजह से फरमाया कि ये फिर दोबारा भी आएंगे तो इसलिए उनके पैसे इनके लिए वापस कर दो ये हज़रतूसफलात साम की करम नवाज़ी थी कि अपने भाइयों के ऊपर कि देखिए भाई कैसे भी हों लेकिन भाई भाई होता है और एक नबी के अखलाक तो इतने अज़ीम होते हैं कि वो भाई जिन्होंने हजरत यूसुफ़ हज़रतूसफलातुसम को बीच से हटाना चाहा था अब वो उनको भरपूर ताकत और कुदरत और क़ुत के बावजूद भी हज़रतूसुफलातुसम उनके साथ मेहरबानियाँ फरमा रहे हैं बावजूद ये कि वो नहीं पहचानते हजरत यूसुफ़ आल तो वसलम उन्हें पहचानते अल्लाह जला जलाु हम सब को ऐसे अजीम अखलाक में से कुछ ज़रा हमें भी नसीब फरमाए व सल्ला तल्क़ी ही महमदिन वाली व अहबी अजमाइन बरमत तैयार हम